जय गुरुदेव। महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यापीठ ज्योतिष विभाग द्वारा दैनिक वैदिक पंचांग प्रस्तुत करते हैं। आज दिनांक 5 मई सन 2023 है। महर्षि संवत्सर 106 चल रहा है। विक्रम संवत 2080 के अंतर्गत उत्तरायण वसंत ऋतु वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि 10:41 रात्रि पर्यंत रहेगी। तत्पश्चात प्रतिपदा तिथि का शुभारंभ होगा। आज दिन शुक्रवार है। आज स्वाति नक्षत्र है 9:31 रात्रि पर्यंत। तत्पश्चात विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। आज सिद्धि योग है 9:09 दिन पर्यंत। तत्पश्चात व्यतिपात योग प्रारंभ होगा। आज विष्टिकरण है 9:09 दिन पर्यंत। तत्पश्चात बवकरण शुरू होगा। सूर्योदय का समय है 5:29 प्रातः। सूर्यास्त का समय है 6:31 सायं। राहु काल का समय है 10:30 दिन में प्रारंभ होगा और 12 बजे तक राहु काल का समय रहेगा। आज विशेष में पूर्णिमा का स्नान दान का विशेष महत्व है। तीर्थ स्थानों में स्नान होंगे। इसी क्रम में द्वादश राशियों का फल। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि का मंगल गोचर में तृतीय भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा सप्तम भाव में है। गोचर में दोनों ग्रह अच्छे हैं। आपको आर्थिक लाभ, मन में प्रसन्नता, कार्य क्षेत्र वृद्धि, साहस, आत्मबल की वृद्धि होगी। जो विद्यार्थी खेल कूद में रुचि रखते हैं उनके उन्नति के लिए, प्रतिस्पर्धा आदि में विजय प्राप्ति के लिए अच्छा समय रहेगा। खेल कूद में जो भी लोग भाग लेते हैं, जो साहस के काम हैं, पराक्रम के काम हैं, धैर्य के काम हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। कोर्ट कचहरी आदि के मामले में विजय मिलेगी। पारिवारिक जनों का सहयोग आपको उत्तम प्राप्त होगा। जीवन साथी का सहयोग, दाम्पत्य जीवन का सहयोग, सुख आपको प्राप्त होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य में जरूर थोड़ा उतार चढ़ाव संभव है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है। रुके हुए धन की प्राप्ति, मन में प्रसन्नता, कार्य क्षेत्र में वृद्धि और विशेष कार्य को लेकर के कुछ योजनाएं बनेंगी, उस पर कार्य करेंगे, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। इस समय मेष राशि में ही विराजमान है। मिथुन राशि से एकादश भाव, जो कि आय का भाव है, मान सम्मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, प्रमोशन इत्यादि के लिए बहुत अच्छा है। जो व्यापार कर रहे हैं उनके व्यापार के वृद्धि के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। आपके लिए हर तरह से मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए कार्य क्षेत्र में वृद्धि, आर्थिक लाभ, मन में प्रसन्नता का स्थिति रहेगी। लेकिन इस समय किसी भी तरह से पारिवारिक और मित्र बंधुओं से विवाद से आपको दूर रहना चाहिए। किसी प्रकार के झगड़ा कलह से आप दूर रहें, नहीं तो कुछ नुकसान भी आपको झेलना पड़ सकता है। कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, जो कि तुला राशि में विराजमान है। कर्क राशि से चतुर्थ में है। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ठीक नहीं है, विशेष करके अपने माता जी के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा परेशानी का एक कारण रह सकता है। और इस कोई भी नवीन कार्य करने के पहले बहुत योजना बना करके सोच समझ कर करें। जल्दबाजी के कारण कुछ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन का है। इसमें लेन देन में सावधानी रखें। गोचर में चतुर्थ भाव का चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं माना गया है। ऐसी स्थिति में जल्दबाजी के लेन देन से आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है और फिर आपको पछतावा होगा। सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्य गोचर में अपने से भाग्य स्थान में, आध्यात्मिक ध्यान साधना पूजा पाठ इत्यादि में गया हुआ है, जो कि सभी क्षेत्रों के लिए उन्नतिदायक है।
राजकीय पक्ष से सरकारी कोई कार्य आपको रुका है तो वह संपन्न होगा, मन में प्रसन्नता होगी और अपने कुछ आर्थिक लाभ के साथ साथ में कुछ नवीन मित्रों का सहयोग भी आपके जीवन में प्राप्त होगा। लेकिन परिश्रम करने से बिल्कुल भी कमी ना करें, परिश्रम जितना करेंगे उससे अच्छा लाभ भी होगा। कन्या राशि, कन्या राशि का स्वामी है वो भी बुध है जो कि अष्टम में गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य प्रभावित होगा, मानसिक परेशानी रहेगी, कार्य क्षेत्र में अवरुद्ध उत्पन्न होंगे, अपने मित्रों से बंधुओं से कुछ आपके परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। यदि पहले से कोई स्वास्थ्य की समस्या है तो योग डॉक्टर आदि से परामर्श अवश्य लें। तुला राशि, तुला राशि वाले व्यक्तियों को दिन मिला जुला रहेगा, जहां स्वास्थ्य प्रभावित होगा, पारिवारिक जनों में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद दाम्पत्य जीवन में रहेगा, वहीं आपको कुछ सहयोगियों का सहयोग भी मित्रों का आपको प्राप्त होगा। विशेष करके अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। पारिवारिक जनों का सुख मध्यम रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए भी थोड़ी स्वास्थ्य की समस्या रहेगी, स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव रहेगा, जल्दबाजी के वाहन चलाने में सावधानी रखें, चोट चपेट आदि की संभावनाएं बन रही हैं, किसी प्रकार का वाहन तेज चलाने से चोट चपेट आदि लग सकती है, सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता है। धनु राशि, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति मीन राशि में है, स्वराशि का है। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए मध्यम समय है, स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन भूमि भवन वाहन से संबंधित कुछ लाभ प्राप्त होने के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। अपने गुरुजनों का, श्रेष्ठजनों का सम्मान करें, उनके निर्देश अनुसार कार्य करने से आपके समाज में एक ख्याति प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मकर राशि, मकर राशि का स्वामी शनि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में है। मकर राशि से दशम भाव में चंद्रमा है, कार्य क्षेत्र को लेकर के चिंता देगा, कार्य में धीरे धीरे सफलता के योग हैं, किसी को उधार पैसा ना दें नहीं तो आपके पैसा रुक सकते हैं और उसमें पुनः आपको प्राप्त होने में दिक्कत हो सकती है। कुंभ राशि का स्वामी शनि कुंभ राशि में विराजमान है। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन उत्तम रहेगा, स्वास्थ्य की अनुकूलता होगी, कार्य क्षेत्र की वृद्धि होगी। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति मीन राशि से मेष राशि में है। इस समय द्वितीय भाव का धन धान्य आभूषण रत्न आदि के लाभ के लिए समय अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य में सर्दी जुकाम खांसी या मौसम के परिवर्तन के कारण कुछ स्वास्थ्य समस्याएं रह सकती हैं, आपको सावधानी रखना है। यह रहा द्वादश राशियों का फल। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।